नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। 2019 लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर चौपाल लगाकर सपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है और आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा कार्यकर्ता पूरी तरह से जुट गए हैं। कार्यकर्ता घर घर चौपाल लगाकर तत्कालीन सपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों तक जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष ज्योति मैसी और युवजन सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता मोहल्ला देवपुरा में गए और घर घर चौपाल लगाकर तत्कालीन सपा सरकार को लोगों की उपलब्धियां गिनाईं। सपा सरकार द्वारा लोगों को नववर्ष 2019 में समाजवादी पार्टी के प्रकाशित कैलेंडर भी वितरित किए गए और आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। जाकर चौपाल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के द्वारा एक संदेश दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? हम लोग ये संदेश दे रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कराए हैं वो विकास कार्यों के हम लोग बताते हैं। विकास कार्यों को आज जो भाजपा सरकार है वो कोई विकास कार्य नहीं कर रही है किसी भी क्षेत्र में, चाहे सड़कें हों, चाहे महिलाओं के लिए कोई कार्य हों, चाहे सुविधाएं अस्पतालों की सुविधाएं हों, किसी भी क्षेत्र में कोई भाजपा सरकार कार्य नहीं कर रही है। और हमारी सरकार में बहुत सारी इतनी योजनाएं थीं, 100, 108, 102, 100 नंबर, ये सब इन सब के लिए ये सरकार जो है जो भाजपा की, ये डीजल के भी उपलब्ध नहीं करा रही है जो गाड़ियां चल सकें, दवाइयां भी नहीं अस्पतालों में हैं और हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं। और आरक्षण के बारे में भाजपा सरकार ने जो आरक्षण किया है, 15% में सामान्य लोग हैं और SC BC ये मिला के ST मिला के 85% हो रही हैं। इन लोगों ने आरक्षण अपना 15% वाला आरक्षण 50.5 कर दिया है और जो 85% के लोग हैं उनका आरक्षण 49.5 कर दिया है, जबकि हम लोग 85% हैं तो 85% हम लोगों को आरक्षण चाहिए, 100% आरक्षण हम लोग चाहते हैं। जातवाद के आधार पर जितनी जिसकी संख्या है उस आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये संदेश है हम लोगों का और हम लोग ये गांव-गांव और शहर शहर लोगों को बता रहे हैं। मैडम, आप घर घर जाकर चौपाल के माध्यम से एक संदेश दे रही हैं समाजवादी पार्टी द्वारा, क्या संदेश दे रही हैं? समाजवादी पार्टी की नीतियों को का संदेश मैं दे रही हूं जो उन्होंने अपने सरकार के समय में इस उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कार्य किए थे और खास तौर से जो महिलाओं के लिए कार्य किए थे उनको मैं जन जन तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि भाजपा सरकार ने झूठ की राजनीति करी है और समाजवादी पार्टी के किए हुए कार्यों को उन्होंने बंद किया है। उन्होंने महिलाओं की सारी योजनाओं को बंद कर दिया, जो हमारे अखिलेश भैया ने वृद्धा पेंशन, समाजवादी पेंशन, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, इस तरह की तरह तरह योजनाएं जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लागू करी थी, उस सारी योजनाओं को उन्होंने बंद करके सिर्फ बदले की राजनीति करी है और यही बात मैं घर घर तक जाके सबको पहुंचा रही हूं।